आज नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा वार्ड क्रमांक 34 जाजू कॉलेज से ब्रह्म कुमारी आश्रम तक रोड के पावर ब्लॉक निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बंगला नंबर 60 में हुआ। पावर ब्लॉक निर्माण 11,20,000 की लागत से हो रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गौरव चोपड़ा उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि शहर के विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। नीमच को विकास के दृष्टिकोण से नंबर एक बनाना है। राजनीति से ऊपर उठकर शहर का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद शारदा, दीपक पाटनी, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, मोहन सिंह राणावत, सुरेंद्र जैन, किरण शर्मा, वंदना खंडेलवाल, शशि कल्याणी, राजेश लालवानी, योगेश कविश्वर, आलोक सोनी और वार्डवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नीमच को नंबर वन बनाना है, इसलिए सबदूर सीसी रोड टाइल्स से लगे, पेवर ब्लॉक लगे और नीमच सुंदर बने, इसके लिए आज वार्ड क्रमांक 34 में बहन शारदा पाटनी जी के वार्ड में आज भूमि पूजन रखा है। अन्य वार्ड में भी रखा है तो 11 लाख रुपए की यहाँ पेवर ब्लॉक लगेंगे, तो ये आसपास जो गंदगी रहती है सब दूर हो जाएगी और पेवर ब्लॉक लगने से पानी का भी संचय धरती माता में होगा। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ नीमच की नगर पालिका अध्यक्ष बहन स्वाति गौरव चोपड़ा जी और सभी वार्ड की पार्षद और सभी सक्रिय होकर अपने अपने वार्ड में काम करा रहे हैं, इसके लिए बधाई हूँ। नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनी है, अभी आपने देखा होगा सारे प्रस्ताव पास हुए हैं और भी आने वाले समय में विकास होगा। अभी गुजरात के चुनाव है, चुनाव के बाद ये विकास तीव्र गति पकड़ेगा, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हर वार्ड में काम होगा, राजनीति से ऊपर उठकर हम सब वार्ड में काम करेंगे। अभी जब जाएंगे तो दूसरे वार्ड में जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है वहाँ भी जाकर हम विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। तो आज नगरपालिका द्वारा भूमि पूजन है, उसकी मैं बधाई शुभकामनाएं।